गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, है ना। 2.5 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब हम आज थोड़े और आगे के क्वेश्चंस में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। 3 तक तो हमने कर लिए थे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है, एक्सपांड इच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको एक्सपांड करना है, ऐसा कह रहा है। तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो ये लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये लिखा है, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 4 जेड होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, इसको एक्सपांड करना है, ऐसा कह रहा है ये। तो सबसे पहली चीज हमको याद रखनी है कि सर इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज अपन कर सकते हैं। मैंने आपको लिखवाया था ए प्लस बी प्लस सी। देखो कई बार क्या होता है कि अपन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपन ऐसा भी लिख देते हैं, कभी कभार अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख देते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। अब यहाँ पर एक्स वाई, तो अपना फॉर्मूला एक्स वाई में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ए बी है, तो अपन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपन ऐसा कह सकते हैं। इसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, इसलिए मैंने फॉर्मूला ए बी सी में लिखा, ठीक है। हमारे पास जो आइडेंटिटी वो ये है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc प्लस 2 टाइम्स ca। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस आपको कंपेयर करना है इसको और इसको, आपका आंसर अपने आप आएगा। कंपेयर कैसे करते हैं, है ना। देखो ये प्लस और ये प्लस, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के पहले यहां पर ए लिखा और इधर क्या लिखा, एक्स लिखा है। तो आप ये कह सकते हो, हियर ए इज इक्वल्स में है एक्स, क्लियर। और ये प्लस के बाद में बी लिखा है, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पर b की जगह क्या लिखा है, 2y, पूरा का पूरा 2y लिखा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y। फिर c की वैल्यू बताइए, अब c की वैल्यू कितनी है, 4z। क्लियर हो गई बात। मतलब अगर आपके पास फॉर्मूला ऐसा लिखा होता, x माइनस 2y प्लस 3z ऐसा कुछ लिखा होता, तो क्या होगा कि सर ये तो आपका हो जाता a, ये आपका हो जाता b, और ये आपका हो जाता c। लेकिन ध्यान देना है ये साइन के साथ काम में लेना है। b की वैल्यू पूरी पूरी कितनी है, माइनस का 2y आएगा, है ना। हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, है ना। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट इन 1। आपने 1 में पुट किया, ठीक है। ये तो लेफ्ट साइड हो जाएगी आपके पास। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स, ठीक है। अब यहां पर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स, अगर आप चाहो तो ब्रैकेट बना के लिखो, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। ए का स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर लिखा है प्लस, ये रहा प्लस। फिर बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, है ना। एक काम करो, ब्रैकेट ही बनाओ, इससे आपको थोड़ा सा सूटेबल रहेगा, अच्छा लगेगा। जैसे अब देखो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस, फिर फॉर्मूले में क्या लिखा है, बी स्क्वायर प्लस, फिर फॉर्मूले में क्या लिखा है, सी स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखा है, 2 ब्रैकेट में यहां पर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा बी, फिर प्लस। देखो आपने इस टाइप से अगर लिख लिया ना, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। 2ab आ गया, फिर प्लस 2, यहाँ पर b, यहाँ c, प्लस 2c, यहाँ पर a। ये अपन ने सभी के अंदर वैल्यू पुट करनी है, बस इतना सा काम है। यहाँ पे क्या था, a था, a की वैल्यू कितनी आ गई, x, तो यहाँ हो जाएगा x। यहाँ पर क्या था, b, ये रहा b, b की वैल्यू कितनी है, 2y, तो यहाँ 2y। यहाँ क्या था, c, c की वैल्यू कितनी है, 4z। यहाँ कितना है, 2ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू
टू वाई, यहाँ पर बी सी, बी की वैल्यू टू वाई, सी की वैल्यू फोर जेड, फिर आगे यहाँ पर सी ए, सी की वैल्यू फोर जेड, और ए की वैल्यू अपने पास कितनी है एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स। क्लियर? अब यहां से क्या समझ में आ रहा है सर, सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो स्क्वायर है वो टू के ऊपर भी और वाई के ऊपर भी, टू टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, मतलब फोर के ऊपर भी स्क्वायर है और जेड के ऊपर भी स्क्वायर, फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन और जेड स्क्वायर आगे, फिर प्लस देखो टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई टू वाई, तो टू का मल्टीप्लाई टू से कितना हो जाएगा फोर, यह हो जाएगा फोर और आगे क्या आ जाएगा अपने पास एक्स वाई, फिर प्लस यहां पर अब आगे देखते हैं टू का मल्टीप्लाई टू वाई से, टू वाई का मल्टीप्लाई फोर जेड से, तो टू टू जा फोर और फोर जा सिक्सटीन, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास सिक्सटीन और ये हो जाएगा वाई जेड, फिर प्लस यहाँ देखते हैं टू का मल्टीप्लाई फोर जेड से, फोर जेड का मल्टीप्लाई एक्स से, मतलब टू का मल्टीप्लाई फोर से करो, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा एट जेड, तो ये इसका एक्सपांशन हो गया। बस इतना सा ही अपन को ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आता है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको क्या आएगा उसके बारे में अपन बात करते हैं, इसको नोट कर ले वीडियो को पॉज करके, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसी का अगर मैं फोर्थ पार्ट करूं, इसी का मैं अगर फोर्थ पार्ट करूं, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हमारे पास, फोर्थ पार्ट में इसने लिखा है थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक है? अब क्या समझना है सर, हमको ये समझना है कि हमारा क्वेश्चन एबीसी में दिया है तो हमारा फॉर्मूला एबीसी में नहीं होगा, हमारा फॉर्मूला किस में लिखना पड़ेगा, हमको एक्स वाई जेड में लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास बताइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, है ना? अब एक्स वाई जेड में क्यों लिखा समझ में आ गया ना, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में आपका फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में एबीसी लिखा है तो फॉर्मूला एक्स वाई जेड में लिखो, अगर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है तो फॉर्मूला एबीसी में लिखो, ठीक है? ये फॉर्मूला बोलो वापस से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको पहचानना है कि मैं यहाँ लिख दूँ, एक चेंज कर लूँ मैं, है ना, मैं यहाँ लिख दूँ हियर एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, वाई इक्वल्स टू व्हाट एंड जेड इक्वल्स टू व्हाट, एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या है। देखो ये एक्स है ये भी एक्स है, साइन के साथ लेना है, इसका साइन प्लस का इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा थ्री ए, ये वाई और ये भी वाई, मैं फिर कह रहा हूँ साइन के साथ लेना है, साइन कितना माइनस सेवन, तो लिखना पड़ेगा माइनस सेवन बी, ठीक है? फिर यहाँ पर जेड, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन के साथ माइनस सी, क्लियर? ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू, सॉरी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। फिर करना क्या आपको, फॉर्मूले में रखना है तो क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन वन, आपको वन में पुट करना है एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, मतलब वो क्या लिखना है अपन को, थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी स्क्वायर, है ना, माइनस सी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर अपने पास आ गया, ठीक है? अब हम आरजेएस में जाते हैं, देखो फिर मैंने बताया ब्रैकेट बनाइए, आप यहां पर लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस, फिर दोबारा क्या लिखेंगे अपन वाई स्क्वायर, फिर तीसरी बार क्या लिखेंगे अपन जेड स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे यहाँ टू लिखेंगे, इधर लिखेंगे एक्स, इधर लिखेंगे वाई प्लस टू वाई और जेड प्लस टू
यहाँ लिखेंगे जेड और यहाँ लिखेंगे एक्स। बस मैंने फॉर्मूला ही बोला, वापस से कुछ भी नहीं कहा। अब देखो वैल्यू फटाफट रखते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के लिए 3a, तो आपने यहाँ लिखा 3a। फिर वाई स्क्वायर मतलब माइनस का कितना आ जाएगा 7b। फिर जेड स्क्वायर मतलब माइनस का c आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू 3a, वाई की वैल्यू माइनस का 7b, ठीक है। फिर आगे टू, फिर आगे क्या लिखा वाई जेड, तो आप लिखेंगे वाई की वैल्यू माइनस का 7b और जेड की वैल्यू माइनस का c, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे बताइए, सी की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू अपने पास कितनी है माइनस का सी, और फिर लिखेंगे एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 3। तो ये अपना कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको -3 का स्क्वायर करना हो और 3 का स्क्वायर करना हो, दोनों का आंसर 9 ही आएगा, क्लियर है। मतलब किसी भी नंबर्स का आप स्क्वायर करते हो तो आपका आंसर हमेशा प्लस में रहेगा। रीजन क्या पता है इसका, -3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, -3 × -3 होता है ना, तो माइनस माइनस से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 3 × 3 कितना हो जाता है 9, इसलिए ये प्लस में आता है, क्लियर है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a², फिर माइनस का स्क्वायर तो प्लस में जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो आंसर आएगा प्लस में। 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर आ जाएगा b², माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा c². अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर मल्टीप्लाई करना है -7 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 आएगा, 2 × 3 × -7 ऐसा कह रहा है ये, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा 6 आएगा, 6 7 से कितना जाएगा 42, तो आपको यहाँ पे लिखना है 42, लेकिन ध्यान देना है प्लस का लिखोगे माइनस का लिखोगे, इनका आंसर आएगा +6 मल्टीप्लाई करने पर, और फिर 6 का मल्टीप्लाई -7 से, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। आगे क्या लिखा है ए और बी, तो आपने यहाँ लिख दिया ए और बी। फिर लिखा, अब आगे देखो आगे क्या लिखा है, सर पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करते, 2 का मल्टीप्लाई आपको करना -7 से, फिर मल्टीप्लाई करना -1 से, सी को बाद में लेंगे अपन, ठीक है ना, या -1 ही है, तो क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई आपने -7 से किया कितना हो जाएगा माइनस का 14 होगा, फिर -14 का मल्टीप्लाई -1 से किया कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 14, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 14। आगे क्या लिखा है बी, कहाँ गया ये बी और सी, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे आगे देखो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर है -1 और 3 से, मतलब सी के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब -1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 जो होता है माइनस का 2, फिर माइनस का 2 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो हो जाएगा माइनस का 6, 6 के आगे क्या आ जाएगा सी, क्लियर। तो ये इसका एक्सपांशन है, काफी अच्छा एक्सपांशन है, उसको इसी टाइप से अपन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रफ वर्क है वो मैं इरेज कर देता हूँ, इसके अलावा वाला पार्ट आपको सारा इसमें नोट डाउन करना है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि मेरे ख्याल से आपको ना, मैंने इसके 2 क्वेश्चंस करा दिए, 2 क्वेश्चंस आपको घर पे ट्राई करने, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 7 पहले करवा रहा हूँ, 7 में क्या कह रहा है उसको अपन देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ये कह रहा है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड ही करना है, क्या फाइंड करना है वो अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं वो ले लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट में इसने क्या लिखा है 99 का क्यूब, इसको सोल्व करना है। अब 99 का क्यूब है, इसका मतलब है कि 99 का मल्टीप्लाई 3 बार, यही है इसका मतलब, है ना। 99 का मल्टीप्लाई हमारे पास 3 बार है ना, तो हम मल्टीप्लाई करना नहीं, हमको आइडेंटिटी यूज करनी है। अच्छा 99 को हम कैसे लिख सकते हैं पता है सभी को, अपन ने कल भी लिख के देखा था, 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 100 - 1, और ऊपर क्या लिखा हुआ होल क्यूब। तो ये कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको कि नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से आपको याद आना चाहिए फॉर्मूला एक, है ना, हमने लिखा भी था x - y का होल क्यूब, कुछ याद आया कि नहीं आया। चलिए फॉर्मूले के लिए मैं इंक बदलता हूँ,
हमारा फॉर्मूला था x माइनस वाई का होल क्यूब, ये था फॉर्मूला था x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ब्रैकेट में लिखेंगे अपन x माइनस वाई, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो आपको कंपेयर करना इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, नए काम तो कुछ अपन कर ही नहीं रहे, बस आइडेंटिटीज याद रख रहे हैं ना। तो आप ये कह सकते हो हियर x इज इक्वल्स टू व्हाट एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट, कंपेयर करो, ये x है, x की जगह x लिखा, कितना हो जाएगा हमारे पास x 100 हो जाएगा। फिर देखो माइनस है और माइनस दोनों के पास माइनस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब माइनस के बाद यहाँ देखो y लिखा और यहाँ पे कितना लिखा, 1 लिखा, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आप क्या कहोगे, इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1, आपने 1 में रखा तो हो जाएगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, फिर देखो फॉर्मूला लिखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम एक्स वाई, फिर ब्रैकेट लगा हुआ अपने पास है ना, यहाँ आएगा एक्स फिर आएगा अपने पास माइनस वाई। देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं बार बार, इसलिए लिख रहा था कि अपन को याद रहे, वो भी ब्रैकेट बना के लिख रहे अपन, है ना। यहाँ पर एक्स क्यूब है मतलब यहाँ पर 100 है, फिर माइनस कह रहा है वाई क्यूब, वाई का मतलब कितना, 1, 1 का क्यूब माइनस 3, फिर आगे क्या लिखा है एक्स और फिर वाई का, एक्स कितना हमारे पास 100 है और वाई कितना हमारे पास 1 है, ठीक है। एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 100 फिर माइनस 1, ये आ जाएगा। 100 का क्यूब कितना होता है आपको समझ में आना चाहिए, 100 का क्यूब है मतलब 100 × 100 × 100, जब भी 100 का मल्टीप्लाई होता है जीरो काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 6 0 आएंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 0 हो गए और यहाँ आ जाएगा 1, क्लियर होगी बात। इतना सा कंसेप्ट है, ये मल्टीप्लाई अपन ने कर लिया 1 0 0 0 0 0 0, फिर आएगा माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, 3 का मल्टीप्लाई 100 से 300, 300 × 1 वापस से 300 आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा ये 300, ठीक है। आगे 100 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा ये 99, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा कंसेप्ट है, अब इसका जो आगे वाला पार्ट है वो मैं यहां कर लेता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा आगे, आगे देखो 100 में, सॉरी ये अपने पास 1 है, फिर 1 2 3 4 5 6 0 है ना, फिर लिखा है माइनस 1, फिर लिखा है माइनस और क्या लिखा है 300 का मल्टीप्लाई 99 से, ठीक है 300 का मल्टीप्लाई 99 से है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2970 होगा, मल्टीप्लाई करने पे हमको ये मिलेगा। देखो बोर्ड मास का रूल पे लेके था कि आप पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, तो आप ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अपने को, है ना, ये अपन ने किया। अब क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस वन और माइनस दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, दोनों एड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2970 1, ये अपने पास हो गया, क्लियर है। तो हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है ना। तो सबट्रैक्ट में क्या वैल्यू आएगी आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना सबट्रैक्शन तो हमारे को आता ही होगा, है ना। तो सबट्रैक्ट जब भी अपन करेंगे हमारे को मिलेगा 970299। देखो मैंने कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी है, आप सबट्रैक्ट यहाँ पे कर सकते हो, 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 0 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, 0 लिखो, 7 लिखिए, 9 लिखिए, 2 लिखिए और सबट्रैक्ट करके देख लीजिए जो आ रहा है वो आपका आंसर है। तो यहाँ पर आने के हमको इसका आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, सॉरी 6 नहीं करवाया मैंने, 5th और 7th के जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो आपके होमवर्क है और आपको उनको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। थैंक यू।